देखिए इनकी मस्ती। राम राम कर लो सबसे। राम राम कर लीजिए। राम राम करिए। राम राम करिए। हाथ जोड़ के राम राम करते हैं ना? नहीं, हाथ जोड़ के राम राम करते हैं। भैया भैया। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर दो चार बोर डेल पर की सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज मॉर्निंग में वीडियो बनाती हूं और आप लोगों से रूबरू होती हूं, बातचीत करती हूं। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे को कल मैं घर में फिसल गई, पानी गिरा था, टाइल्स में फिसल गई तो मेरे को हाथ में चोट लगी, तो पेन था। तो मैं सुबह उठने को तो देखिए, जब जो जिस टाइम उठता है उसकी नींद अपने आप खुल जाती है। पहली बारिश में कितना सुंदर सारे पौधे लहलहा गए दोस्तों। तो उठ तो गई थी लेकिन हो गया, मेरे को पेन था तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। पेन अभी भी है लेकिन कुछ सब्जियाँ लूँगी मैं दोस्तों। इस तरह से ये जो खरपतवार है ना आपके पौधों में अगर हो जाते हैं, आपके पौधों से ये पोषण लेते हैं, तो इनको आप हटाते रहिए तो आपके पौधों को मतलब सारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो पोषण है, वो पौधों को मिलेगा, नहीं तो वो डिवाइड हो जाते हैं और खरपतवार पौधों से ज़्यादा उनको मतलब खींचते हैं उसके उर्वरा शक्ति को। तो दोस्तों पौधों की एक दो दिन से थोड़ी अच्छे से देखभाल भी नहीं हो पा रही है, अकेली हो गई हूँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब इस तरह से जो घास वगैरह है ना, इनको हमको हटाते रहना है, अपने पौधों में इनको जगह नहीं देनी है, नहीं तो हमारे पौधों की उर्वरा शक्ति को खींचते हैं, पोषक तत्वों को खींचते हैं, और इनको इनका कुछ होगा तो है नहीं घास का, इसलिए इनको हटाते रहिए। ये हमने चोटी बनाई थी एडेनियम की, तो कितनी सुंदर लग रही है और सब स्वस्थ हैं। और भी चोटी बनाई थी और ये हमारे सब टोपियारीज हैं, बहुत सारी टोपियारी बनाई थी दोस्तों। इनको प्रून करना पड़ता है। ये है स्वास्तिक, ये है ओम, बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों। बस ये रूप ले ही रहे हैं क्योंकि अभी हमने 3 दिन हुआ इसको बनाए, ओम और स्वास्तिक को। और इधर भी हैं ढेर सारी टोपियारीज, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है ये हमारी अपराजिता की टोपियारी। और जैसी बारिश शुरू हुई है ना दोस्तों, ऐसे फूल खिलने लगे हैं इसमें। सुबह तो नहीं आ पाई लेकिन ढेर सारे शंखनुमा फूल ऐसे इसमें खिले हुए हैं, कुछ ऐसी कलियां भी बन रही हैं और सूख भी गए हैं देखिए ये सब। तो दोस्तों आप लोग भी अपराजिता ज़रूर लगाएं। हमें तो डबल पेटल की भी मिल गई है, कलर का तो अभी नहीं पता, खिली नहीं है, ब्लू है ये और वाइट है इसमें, इसमें दो कलर हैं दोस्तों। यहाँ अच्छी बारिश हो रही, अच्छी बारिश यानी थोड़ी सी बारिश दिन में एक बार हो जाती है। जिस दिन से बारिश शुरू है हुई है उस दिन से हमने पौधों में पानी नहीं डाला है। ये दोस्तों देखिए हमारे एडेनियम जो है जिनको हमने उगाया था, बहुत अच्छे उग रहे हैं और बहुत अच्छा इनका अंकुरण हुआ है। और ढेर सारे हमने उगाए हैं, 5, ये मतलब 5-6-7 ट्रे में उगाया है। ये जो है तो पहले 2-3-4 दिन उगाया, पहले उगाया और इसके बाद जो बाद में उगाया सब उग गए हैं। थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए, ये जड़ों से बाहर आ जाते हैं, बाकी इनको दिक्कत कोई नहीं है, ये आराम से लग जाएंगे। 1-2 दिन बाहर भी पड़े रहते हैं तब भी उग जाते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। फिर ज़्यादा दिन रहेंगे तो बहुत छोटे हैं तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए देखते रहिए ये बाहर जड़ों से ना, जड़ इनकी बाहर ना आए। देखिए कितने बढ़िया उग रहे हैं ना। तो हमारी आदत है आपसे रोज़ बात करने की, तो हमने कहा चलो 2 शब्द बात कर लें, इसलिए हम आ गए ऊपर आपसे बात करने के लिए।
थोड़ी पौधों की देखभाल भी हो जाएगी और आपसे थोड़ी सी मुलाकात भी हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा वाइट वाला है, देखिए खिलना शुरू हो गया, खिला था अभी फिर से खिलना शुरू हो गया है, देखिए वाइट है ये। दोस्तों वाइट मेरे पास एक ही पौधा है, मैंने बनाया है, बहुत सारे लोगों को बांटा है। अब देखिए किसमें खिलता है वाइट नहीं पता, इसी से ही हमने वाइट बनाया है। वाइट जब ये सीड पॉट आए तो इसमें हमने डाला पौधे को, लेकिन दोस्तों सब एक साथ हो गए तो पता ही नहीं चला कि कौन सा वाइट है और कौन सा इसी में डाला था, तो बहुत सारे तो बट गए इसके और कुछ जो है तो हमने अपने घर में भी उगाए हैं, तो पता नहीं वाइट कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा। ये देखिए ये अपराजिता जो हमारे कहीं ऐसे क्यारी में उगी थी तो हमने इसको उखाड़ कर एक छोटे से बॉटल में डिब्बे में लगा दिया। तो दोस्तों मुझे जो भी मिलता है ना, मैं ढेर सारे पौधे उगाते रहती हूँ, जो भी पॉट मिल जाता है, जैसे ये टुकनियाँ हैं ना ये इस्तेमाल होती हैं और जब फिर थोड़ी सी भी होती हैं तो इनको मैं फोड़ कर इनमें उगा देती हूँ पौधे। जैसे ये देखिए उगा हुआ है ये क्या बोलते हैं इसको, नाम बेबी सनरोज ऐसा कुछ इसका नाम है, तो वो उधर उतना दूर रखा हुआ है, उसको अभी मैं उठाऊंगी, थोड़ी सी साफ़ सफाई करूंगी उसकी। तो दोस्तों मैं छत पर अभी आई हूँ इसलिए क्योंकि आपको तो ये दिखाना था, आप देखे हुए भी हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी लेनी थी वेजिटेबल और जैसे ये जो भी फला हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हम घर से ही सब्जियाँ लेते हैं, तो इस तरह से कुंदरू फले हुए हैं और फल के पक के और ये गिर गिर जा रहे हैं दोस्तों, मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो होता क्या है कि जब तोड़ने आते हैं तो ये दिखते भी नहीं हैं और फिर पक पक कर गिरते हैं, ऐसे जब दिखने शुरू होंगे ना तो फिर ढेर सारे ऐसे मिल जाते हैं। देखिए एक चेयर लेनी पड़ेगी, उस पर चढ़ के देखना पड़ेगा। कुंदरू जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर रहा है, ये देखिए ये इस सब कुंदरू के फ्रूट ही हैं, मतलब इनके फल ही हैं, बस आपको खोजना रहता है क्योंकि हरा कुंदरू हरा इसकी पत्तियाँ, तो थोड़ा आसानी से नहीं मिलता है लेकिन फला खूब है। ये देखिए ये ऐसे, हाँ ये ऐसे। दोस्तों एक सब्जी का कुंदरू हमने तोड़ लिया, अब सोच रही हूँ कि करेला तोड़ लूँ, लेकिन थोड़ा सा शाम होने लगी क्योंकि मैं कुछ काम करने लगी थी, तो अब मैं नहीं तोड़ूंगी, ये वीडियो आज नहीं डालूंगी मैं क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ और ढेर सारी सब्जियों के साथ। दोस्तों राम राम, तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ सबसे पहले आज मैं दिखा रही हूँ अपने बोगनवेलिया को, जो मैंने बोगनवेलिया की जड़ों में ग्राफ्ट किया था, उस किस तरह से सफल हुआ और किस तरह से मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ये मैंने आपको बताया। पहले इसको ग्राफ्ट करते हैं, इसको बाद इसको प्लास्टिक से कवर करते हैं, अपने पसंदीदा कलर से आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब जिस जड़ में आप ग्राफ्ट कर रहे हैं वैरायटी वही होनी चाहिए। ये देखें, और इसके बाद फिर इसको 22 दिन में आप थोड़ा सा इसको कट कर दीजिए। दोस्तों गलती से इसका एक मेरे से देखे टूट गया, इसमें भी था ये टूट गया, तो ये जिंदा है तभी तो ये निकला, तो मैं वेट करूँगी कि फिर उसमें आ जाए। और इसी तरह से इसमें भी हमने ग्राफ्ट किया, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा कट करना है 22 दिन बाद ताकि इसका मॉइस्चर बाहर आए और ये इसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो, और इसके बाद फिर 4-5 दिन बाद इसको आप इस तरह से खोल सकते हैं। मौसम अच्छा हो तो सुबह खोल सकते हैं, मौसम अच्छा ना हो तो आप इसको शाम को खोलें। दोस्तों इसको मैंने आम के पेड़ के नीचे रखा था क्योंकि हमने बहुत तेज़ गर्मी में इसको ग्राफ्ट किया था, अब मौसम अनुकूल है अच्छा है तो हम यहाँ लेकर आ गए, मतलब जहाँ मैं ढेर सारे पौधे ऐसे छोटे छोटे पौधे तैयार करती हूँ, और इसके बाद फिर मैं जब ये तैयार हो जाते हैं ऐसे देखिए इस तरह से कलम से, और जब ये ठीक ठाक हो जाते हैं तब इनको मैं ऊपर छत में ले जाती हूँ धूप में। तो ये वाले को मैं कई दिन से खोल चुकी हूँ, ये पहला मेरा ग्राफ्ट है जिसको हमने ग्राफ्टिंग करी थी पहला, और ये भी जड़ से ही हमने इसको भी ग्राफ्ट किया था। तो इस तरह से दोस्तों हमने सफल ग्राफ्टिंग करी और इसमें से
सब में देखिए ब्रांचेस निकल गई हैं। बस एक मिस्टेक हो गई, इसकी प्लास्टिक थोड़ी मोटी थी और मैं कैंची नहीं पकड़ी थी तो हाथ से कर रही थी, तो इसमें धक्का लगा और ये गिर गया। तो अफसोस है मुझे इसका, पर एक और टूट गया क्या? माय गॉड, एक और टूट गया, बताइए। मतलब ऐसी गलतियाँ कर देती हूँ मैं, फिर पछताते रहती हूँ। खैर छोड़ो, आ जाएगा। दोस्तों राम राम। कल कारण आपको पता है कि हम वीडियो नहीं बना पाए। दोस्तों ये हमारा पालक है जिसको हमने आपको बताया था कि पालक उगाइए, बारिश में भी पालक होते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है, 4-5 दिन से थोड़ी सी बारिश लगभग रोज़ हो जाती है। तो 4-5 दिन से मुझे पौधों में पानी नहीं डालना पड़ा। और दोस्तों देखिए पौधों की रंगत, बारिश की बूंदें पड़ते ही किस तरह से पौधों की रंगत बदली है। ये हमारे बोगनवेलिया। दोस्तों बारिश के पानी में हमारे पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, खासकर नाइट्रोजन जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है पौधों की ग्रोथ के लिए, तो दोस्तों इससे हमारे पौधे ऐसे लहलहाते हैं बारिश के पानी से। और सब्जियों की ग्रोथ मतलब दिन दूनी रात चौगुनी होती है। फूल वाले पौधे भी हमारे ऐसे मतलब लहलहाते हैं कि इनकी खूबसूरती, इनकी छटा जो है देखते ही बनती है। ये इतने से पौधे हमारे इधर रखे हुए हैं, देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ ढेर सारे पौधे। तो दोस्तों इस टाइम पौधों की देखभाल और इसमें हम कौन सी खाद दे सकते हैं, हालांकि इस टाइम पे बहुत कम खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक खाद ऐसी है जिसको देने से हमारे पौधे जो है उनमें किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता, कीड़े मकोड़े अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश में इन चीज़ों का थोड़ा डर रहता है, फंगस का और कीड़े मकोड़ों का। तो अगर उस खाद को हम डालते हैं तो हमारे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी और साथ में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, हमारे ऐसे चिकने और साफ़ पत्ते रहेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने टाइम से इनको हमने सबको उगा दिया था। ये भिंडी है दोस्तों, तो बहुत ही टाइम से हमने उगा दिया था, तो जिससे हमारी सब्जियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई और हमको कोई भी सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये हमारी बोगनवेलिया है। दोस्तों खाद के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक छोटी सी कलम से बोगनवेलिया तैयार कर सकते हैं अपनी पसंदीदा कलर को, अपने पसंदीदा कलर को, जैसा भी आप चाहें, जिस तरह का चाहें, जो कलर चाहें, जो वैरायटी चाहें। दोस्तों अभी वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, पहले यह झाड़ीनुमा पौधा था लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयास से ये बहुत अच्छा पौधा बना है और बहुत ही खूबसूरत इसका बोंजाय बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों कांटे भी नहीं होते हैं, पहले यह झाड़ी की तरह होता था, इसमें ढेर सारे कांटे होते थे, लेकिन अभी इसको इन कांटे तो होते हैं लेकिन पहले से इन कांटों को कम कर दिया गया है। देखिए वाह कितना सुंदर है कि नहीं। तो दोस्तों ज़रूर उगाएं, ये लगभग 12 महीना फूल देने वाला पौधा है और ऐसा फूल देता है कि एक बार फूल देता है तो कुछ वैरायटी ऐसी हैं जैसे ये 21 ज्वेल्स वैरायटी, एक बार इनमें फूल आते हैं तो 3-3 महीने फूल लगे रहते हैं और फिर ये जैसे ही फूल इनके ख़त्म होते हैं दोबारा फिर फूल उसी में बनने लगते हैं। ये हमारा देखिए इसकी टोपी आ रही पारचिलाका की, 9 o'clock, कितने सुंदर एकदम बॉल जैसे बने हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर आप उगाएं, बोगनवेलिया। 21 ज्वेल्स तो मेरा मन मोह लेता है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसकी इतनी सारी कलम तैयार कर रही हूं, जब मेरे गार्डन में सारे आ जाएंगे, वो प्रोसेस में हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं, किसी दिन मैं बताऊंगी। आज मैं किसी दूसरे विषय पे आपसे बात करूंगी कि आप बरसात में अपने पौधों को कौन सी ऐसी खाद दें जिससे ऐसे आपके पौधे लहलहाएं, चमके और पौधों में कीड़े मकोड़ों का भी अटैक ना हो। दोस्तों ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी है,
देखिए किस तरह से छोटे छोटे इस तरह से ये इधर है इसका पौधा, तो इस तरह से मैंने इनको सबको कलम से तैयार किया है। ढेर सारी इसमें वैरायटी रहती है, ऐसे गुच्छे वाले भी रहते हैं, इसके इतने कलर रहते हैं दोस्तों कि इनके कलर आपके मन मोह लेंगे। देखिए दोस्तों कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो फूल इसके झड़ते हैं, और कुछ होते हैं जैसे ये वाला और ये वाला, मतलब 21 ज्वेल्स वैरायटी और ये गुच्छों वाला, इनके फूल झड़ते नहीं हैं दोस्तों, आपको बाद में कट करना पड़ता है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि सब आपके वेलकम के लिए खड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं छत पर और वहाँ हम आपको बताएंगे कि हम किस खाद का इस्तेमाल करें। दोस्तों उसके पहले हम लेंगे थोड़ी सी चौलाई, थोड़ी भाजियाँ लेंगे। कल हमने तोड़ा है कुंदरू, तो चूंकि मुझे भाजियाँ बहुत पसंद है दोस्तों, तो इसलिए मैं भाजियाँ बनाती हूँ और फिर मैं खाती हूँ, तो बच्चे भी खा लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ है ना कि बच्चे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, और वैसे भी मेरे बच्चे ना बहुत समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको ऑर्गेनिक का पता है, उनको मालूम है कि मार्केट में जहर बिक रहा है, तो वो इस चीज़ का महत्व समझते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाजी बनी है, बहुत शौक से और बहुत प्यार से सब के सब, छोटा सा एक बच्चा है वो भी खा लेता है। तो हमारे यहाँ ना मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई घरों में होता है ना कि कोई ये चीज़ खाता है तो कोई वो चीज़ खाता है, नहीं, हमारे यहाँ जो बनता है वो सब खाते हैं। तो इधर भी है दोस्तों, इसको भी ले लूँ मैं। थोड़ी सी इसमें पालक भी मिक्स करेंगे दोस्तों, मिक्स वाली भाजी की पौष्टिकता और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आज मैं चौलाई ज़्यादा तोड़ूंगी, पालक लूंगी मैं थोड़े से, पालक भी बहुत अच्छे लगते हैं, और बारिश में अगर इस तरह से मिल रहे हैं दोस्तों, सोचिए घर में जब मार्केट में अभी आप जो मार्केट जाता होगा सब्जी लेने, उसी को मालूम है, मैं तो जाती नहीं हूँ, मेरे यहाँ मार्केट की सब्जियाँ नहीं आती हैं, हमारे घर में जो होता है वही खाते हैं, कारण कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल वाली सब्जियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा उन लोग रासायनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम अपने घर में ही उगाते हैं। ये हो गया हमारा पालक, तो हो गिर गया, चलो कोई नहीं। दोस्तों ये है कांदा भाजी जो कि दिव्या लेकर आई थी मेरे लिए, मेरे पास कांदा भाजी के पौधे नहीं थे तो दिव्या ने मुझे दिया। तो दोस्तों यहाँ से मैं तोड़ूंगी चौलाई, मैं पहले भाजी तोड़ लूँ, क्योंकि भाजी तोड़ने के बाद ही मैं आपको खाद बताऊंगी और पौधों में डालूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले डाल दूंगी तो फिर मैं भाजी नहीं तोड़ पाऊंगी। दोस्तों खाद कोई भी हो, चाहे जैविक ऑर्गेनिक रासायनिक कोई भी खाद हो, खाद डालने के बाद इस तरह की सब्जियां नहीं तोड़ी जाती हैं, एक दिन दो दिन तक उनको अवॉइड किया जाता है, उनको नहीं तोड़ा जाता है। रासायनिक खाद का तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ा जाता है, तीन दिन चार दिन तक बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता, और अगर आप जैविक खाद भी डालते हैं ना तो भी मत तोड़िए सब्जियां, एक दिन दो दिन तीन दिन तक आप उनको मत तोड़िए, बाद में इनको हम साफ करेंगे आराम से बैठकर। अब चूंकि अभी मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ, आप जान जाइए कि मैं भाजी तोड़ रही हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाता है, फिर आप लोग बोलते हैं बड़ा वीडियो। तो दोस्तों जिस खाद की मैं बात कर रही थी वो है लकड़ी की खाद, लकड़ी की राख, लकड़ी से बनी हुई जिससे खाना बनता है, और इसके बाद जो बचता है वो राख। दोस्तों ये भीग गई है इसलिए इसका कलर आपको राख जैसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये राख है। दोस्तों इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे थोड़े थोड़े मात्रा में इसमें तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम पानी में बहुत ही, और पोटेशियम भी घुलनशील होते हैं, और ये तुरंत आपके पौधों को फायदा देते हैं, ग्रोथ देते हैं। इस टाइम पे आप कोई भी खाद मत डालिए, अगर आपको राख मिल जाती है तो
तो दोस्तों इन पौधों में सब में, और दोस्तों एक बात और आपको बता रही हूँ, इस राख को जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, हर मतलब कंटेनर में जब मैं इनकी मिट्टी तैयार करती हूँ, इनका मिक्स तैयार करती हूँ, तो उस पर भी मैं राख जरूर डालती हूँ। तो दोस्तों राख को हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कई तरह से, जैसे हम जब मिट्टी बनाते हैं तब भी डाल सकते हैं, और इस तरह के जब आपके पौधे नर्सरी आपकी तैयार होती है तो दोस्तों उसमें इस तरह से आप इन राख को बुरक दीजिए। नर्सरी में तो बुरकिए ही, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होता जो हमारे पौधे के पत्तों को काटते हैं। दोस्तों अगर सूखी राख मिल जाए तो अच्छी है। अब मैं सोच रही हूँ एक बोरी मैं घर के अंदर रखूँगी ताकि वो सूखी रहे, तो इस तरह से आपके पत्तों को ये कवच का काम करेगी और साथ में आपके इन पौधों को ढेर सारे पोषक तत्व भी देगी। तो दोस्तों बेल वर्गीय पौधों में हालांकि आप हर किसी में डाल सकते हैं, मिर्ची में डालिए, हमारे हर पौधे में डला हुआ है, लेकिन आप बेल वर्गीय सब्जियों में इस राख का जरूर इस्तेमाल करें। आप इस ग्रोथ देखिएगा, आपकी लौकी, आपका खीरा ऐसे लहलहा के बढ़ेगा। अगर आपकी लौकी नहीं बढ़ रही है किसी कारण से, उसमें अच्छे से उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसकी जड़ों में और साथ में उसके पत्तों में भी इसकी राख को जरूर डालें, आपके पौधे एकदम से बढ़ेंगे। हालांकि बारिश के पानी जब हमारे पौधों में पड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन राख में राख एक ऐसी खाद है जिससे आपके पौधों में फंगस भी नहीं लगते हैं, आपके पौधों में उनकी जड़ों में किसी तरह का रोग नहीं लगता है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल इससे बचाव होता है और बहुत जल्दी घुलकर आपके पौधे के मिट्टी में मिलकर, दोस्तों एक बात और बता दूं, इसको आप अडेनियम में भी दे सकते हैं। मैं हर उस मतलब अपने अडेनियम में महीने में एक बार इसको देती हूँ। दोस्तों मैंने गर्मी में भी इसको दिया है, जब ओवर वाटरिंग हो रही थी, तो उससे पौधे हमारे पौधों की जड़ें ना खराब हो, उसमें फंगस ना लगे, तो इसके लिए हम उसमें मतलब गर्मी में भी दिए हैं। तो दोस्तों हर पौधे में आप राख डालें, मैं अभी डालूंगी, राख से आपके पौधे बहुत लहलहाएंगे। हालांकि मैं ऑर्गेनिक करती हूँ, आप क्या डालेंगे हमको नहीं पता, तो ऑर्गेनिक करती हूँ तो इसमें हर वो तत्व हैं जो आपको रासायनिक खाद में मिलेंगे, जो आप रासायनिक खाद डालेंगे अपने पौधों में, तो राख बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ठंड के दिनों में मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ, अलाव जलते रहता है, तो सुबह सुबह मैंने देख लिया कि हाँ अलाव जल रहा है, फिर मैं जब वो जानती हूँ कि वो अलाव ठंडा हो गया होगा, तो मैं किसी को पीछे गाड़ी में बिठाकर और जाकर उससे भरवा लूँगी और गाड़ी में लाद के मैं घर ले आती हूँ। दोस्तों ये चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती हैं, अगर आप चाहें तो आसानी से मार्केट में नहीं मिलेंगी, और अगर ऑनलाइन इनको खोजेंगे तो इनका इतना भाव रहेगा कि आपको लेने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह से आप देखिए, जैसे झाड़ी झंकाड़ी में, अब जैसे इतनी सारी झाड़ियां हैं यहाँ, इनमें जब आग लगाते हैं तो मैं उसको झाड़ू मरवा के अंदर बोरियों में भर के रख लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं आप ही करें, दे दीजिए किसी को 10-20 रुपया, वो कर देगा आपके लिए। दोस्तों देखिए इनकी ग्रोथ देखिए, इनमें अभी फूल देखिए, कितने फूल खिले हैं इसमें, बस यही इंतज़ार था इसको हमारी अपराजिता को। और इधर देखिए बस ब्लू 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 दिख रहा है। तो दोस्तों थोड़ी सी खाद में और ले लूं और पौधों में मैं डाल दूं, नीचे के भी पौधों में, भिंडी वगैरह में भी मुझे डालना है। अभी जो खासकर जो पौधे आप लगाए हैं जिनको ग्रोथ की ज़रूरत है, जिनको जल्दी बढ़ने की ज़रूरत है, उनमें खाद आप ज़रूर डालें। ऐसे मैं बोरियों में भर कर रखती हूँ दोस्तों, ये देखिए ये हमारी एक बोरी नीचे भी है, क्योंकि नीचे भी हम ढेर सारे पौधे तैयार करते हैं ना, वहाँ भी हमारी लौकी वौकी सब बोगनवेलिया प्रोसेस में है और लौकी फलने के उसमें है, लौकी में हमने ढेर सारी खाद डाली, ये देखिए इस तरह से। लेकिन ये थोड़ी गीली हो गई है, पर कोई बात नहीं, ये काम उतना ही करेगी। ये पौधे हमारे अभी लगे हैं, इनमें सब में राख डली हुई है, जिनमें ज़रूरत है उन्हीं में डालूंगी मैं, क्योंकि जब हम पौधे उगाते हैं ना तो राख हम ज़रूर डालते हैं। तो अभी अभी इनमें डाला है, देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। अभी हमने मिर्ची उगाई है, आपको बताया था ना कि हमने मिर्ची उगाई है, तो हर पौधे में हम इस तरह से डालते हैं। इस तरह से अगर घास फूस कुछ है तो उसको आप हटाते रहिए। देखिए हमारे पौधों की ग्रोथ, और वो भी
प्योर ऑर्गेनिक। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पौधों की देखभाल करते हैं तो आपके पौधे में बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा, आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। और कीड़े मकोड़ों का जो अटैक होता है दोस्तों, उस दिन मैंने इसमें लगाई है ककड़ी, इसमें मैंने राख नहीं डाली थी, तो अभी आज मैंने डाल दी। इसके अंकुरण से पहले ही ये बहुत जल्दी घुल जाती है और घुल के मिट्टी में मिल जाती है और हमारे पौधों को तुरंत पोषक तत्व देती है। और जितनी भी खाद है उससे बहुत जल्दी ये वर्क करती है पौधों के लिए, और आपके पौधे ऐसे लहलहाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा वातावरण अच्छा हुआ है। गर्मी उमस तो है लेकिन बहुत तेज़ धूप एक दो घंटे का ही करता है, तो इसलिए पौधों में ऐसी ग्रोथ दिख रही है। वैसे मेरे पौधे अच्छे ही थे दोस्तों, पूरी गर्मी हमने अपने पौधों को बहुत अच्छा रखा और पौधों को मैंने मरने नहीं दिया। हाँ, किसी कारणवश मरे हों, गिर गए ऊपर से नीचे पहले बारिश में, उसमें मेरे कुछ पौधों का नुकसान हुआ है, बाकी ऐसे मेरे पौधे गर्मी के कारण नहीं मरे हैं। आप देखिए हमारी ककड़ी, खीरा, इनमें सब में कितनी ग्रोथ लग रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है। और हमारी अभी लोग खीरा ककड़ी लगा रहे हैं और हमारा जो है फ्रूटिंग भी करना शुरू कर दिया। कहाँ गया रे, ये देखिए दिखा क्या, इस तरह से और भी है। तो इस तरह से हमने बहुत सही टाइम पे सब्जियां उगाई तो हमारे ये पौधे जो है फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए। सब में आपको फूल दिख रहा होगा, ये लौकी है, लौकी में जरूर राख को डालें दोस्तों, मिर्ची में भी जरूर राख डालें। ये देखिए कितनी सुंदर, कई बार तो दोस्तों मैं रात में ये सब काम करती हूँ और आपको मैं बता नहीं पाती हूँ, तो हमारे हर पौधों में ये खाद पड़ी हुई है और मैं डालते भी रहती हूँ। अब चूंकि दिन भर व्यस्त रहती हूँ, मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं बता पाती आपको। तो और रात में भी मतलब कि कैसे सूट करूँगी, अंधेरा रहता है, अंधेरी लाइट रहती है लेकिन लाइट में अच्छा प्रकाश नहीं देता है। दोस्तों लाल भाजी, लाल भाजी जरूर लगाएं दोस्तों। जैसे कि कोई कह रहे थे कि बारिश में कीड़े लगते हैं, लगते होंगे, आप राख का छिड़काव करके तो देखिए। आप अगर गांव के हैं और आप इन चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा करेले में डाल दूं दोस्तों, करेला हमारा बहुत ज्यादा फ्रूटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्रूटिंग कर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए मैं एक बर्तन लेकर आई हूँ, वो भाजी से भर गया, अब मैं करेले तोड़कर कहाँ रखूंगी। ये देखिए यहाँ रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी लोग करेला उगा रहे हैं और हमारा जो है इस तरह से फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए ये मतलब मेरे को एक जगह ही इतना मिल जाएगा कि एक सब्जी के लिए आराम से मिल जाएगा। और टमाटर दिखाऊं, हमारा टमाटर बारिश आ गई लेकिन बराबर फलता रहा। कारण इसका दोस्तों, ये जो करेला है ना, करेला उसको दबा दिया था तो वो उसको धूप, डायरेक्ट धूप उसमें लगी नहीं तो वो बच गया, तो इतना फला वो पूरे गर्मी, हमको जब जरूरत पड़ती, ऐसा नहीं है जैसे पूरा ठंड फलता है वैसी फ्रूटिंग नहीं किया, लेकिन हमको खरीदना नहीं पड़ा तो ये कम बात है क्या। जब हमको जरूरत होती थी हम आकर तोड़ लेते थे। तो दोस्तों करेले को खोजना पड़ेगा, कल मैंने ढेर सारे देखे लेकिन अभी एकदम से निगाह नहीं पड़ रही है। जब मैं मोबाइल ऑफ करूंगी और पूरा मेरा ध्यान उसी पे जाएगा तो फिर मैं खोज लूंगी। तो पहले तोड़ लेती हूँ फिर आपसे करती हूँ बात। ऐसे छुप छुप के फले हैं, ऐसे छुप छुप के फले हुए हैं, मैं एक हाथ से तोड़ के और दूसरे में पकड़ते जा रही हूँ। ये देखिए, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि मोबाइल भी पकड़ा हुआ है ना हमने हाथ में, शूट भी कर रही हूँ, तोड़ते भी नहीं बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा हाथ में। तो इस तरह से दोस्तों देखिए कितने करेले हमारे फले हुए हैं और अभी लोग उगा रहे हैं, तो अभी भी आप उगा सकते हैं। ये हमारा गर्मी वाला करेला है तो ये अभी भी मतलब इसको अच्छा माहौल मिल गया, अच्छा वातावरण मिल गया, अच्छी देखभाल मिल गई, राख वाख बीच बीच में डाल देती हूँ तो अभी भी इसकी ग्रोथ बढ़िया चल रही है। अब ये लुढ़कना ना शुरू कर दे करेले, हमारे रखने की जगह नहीं मिल रही है। तो दोस्तों बहुत सारा फ्रूटिंग कर रहा है ये, और अभी थोड़ी सी गर्मी के बाद थोड़ा सा डल हुआ था, अब फिर से ये उसी तरह से ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है।
तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं इस तरह से ढेर सारी सब्जियां। करेला भी बीज से उगाया जाता है, इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी आप उगा सकते हैं। जिस जगह पे आपको उगाना है, चार पांच करेले के दाने थोड़ा सा मिट्टी कोड़ाई करके थोड़ी खाद डालकर गाड़ दीजिए। आप ये देखिए कितना सुंदर। दोस्तों इसको लाल भाजी को तोड़ लेती हूँ मैं, अभी उसी के साथ बना लेंगे। देखिए इसकी खूबसूरती है ना, सुंदर। तो दोस्तों ये है हल्दी, अभी कहाँ कहाँ पकड़ूँ हाथ में। ये हमारी मिर्चियाँ हैं, अब ये सब अच्छी हो जाएंगी। ये गर्मी के कारण या पता नहीं कभी कभी इनमें कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है। और ये है हमारा खेड़ा भाजी, कितना सुंदर लग रहा है। इनमें सब में लगा है हमारा अडेनियम, अडेनियम के सीड डले हुए हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप अपने पौधों की देखभाल करेंगे, देखिए सारे पौधे हमारे, देखिए गर्मी में जो थोड़े से सूखने जैसे हो रहे थे, हालांकि हमने बहुत अच्छी देखभाल करी, लेकिन कैसे इनमें एकदम सब में ये फूल आ गए और ये सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट होंगे। उधर भी जो बैंगन, मतलब जहाँ जहाँ बैंगन लगे हैं सब में, मतलब कि ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। ये है हमारा अडेनियम का ट्रे, जिसमें आप देखिए कि अडेनियम जो है निकलना शुरू हो गया है। अगर ऐसे दाने कहीं ऊपर आ जाते हैं तो इनको आप दबाते रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है। ओहो, एक जगह से उखाड़ के दूसरे को वो कर देती हूँ, गजबई है मेरा काम। तो दोस्तों इस तरह से ये भी निकला है क्या? ये देखिए परचुला का है, जिसको मैं टोपियारी बनाने के लिए ढेर सारा तैयार कर रही हूँ। ऐसे छोटे ये कंटेनर जो फ्रूट के कंटेनर हैं, इनको मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों मैं गमले में सब्जियाँ उगाना पसंद नहीं करती हूँ। ये देखिए इसमें भी अंकुरित होना शुरू हो गया है, जो हमने अडेनियम उगाया था। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं गमले में उगाना पसंद नहीं करती सब्जियाँ, मैं इसी तरह के कंटेनर में ये उगाती हूँ, और इनका इस्तेमाल भी बढ़िया हो जाता है और हमको सब्जियाँ भी मिल जाती हैं। हमारे यहाँ जो फ्रूट आता है उनमें वो फिर बेकार हो जाते हैं, या तो फेंको या तो कबाड़ी वाले ले जाते हैं। तो हम कबाड़ो बाड़ में कभी कोई चीज़ आज तक मैंने नहीं दिया, भले रोहित को देती हूँ, बोलती हूँ तू ले जा, जिसको देना है दो या तेरे को जो इस्तेमाल करना है तो कर, कबाड़ी को नहीं करती। तो इस तरह से दोस्तों इन कंटेनरों में, इस तरह ये प्लास्टिक के जो टब है, इनमें सब में आप ये, इधर भी हमारा ये फ्रूट कंटेनर ही है देखिए, जिसमें हमने उगाया है नारी भाजी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए आपके मन को कितना अच्छा लगेगा इन सब चीज़ों को देखकर, और खाएंगे तो कितना ही अच्छा लगेगा। टमाटर हमारे उग गए हैं दोस्तों, सब में राख में डालती हूँ, और जो बचे हैं उनमें भी डालूंगी। अभी नीचे ले जाऊंगी भिंडी वगैरह में डालने के लिए, अभी मैं आपसे कर रही हूँ बातें। देखिए कितनी सुंदर मिर्ची लहलहा रही है, थोड़े से मिट्टी में नीचे इसमें पत्ते भरे हुए हैं सूखे, और ऊपर से एक लेयर पतली सी मिट्टी की डालते हैं और उसी में हम उगाते हैं पौधे। बीच में हम कोई खाद नहीं डालते हैं, अगर हमें डालना हुआ तो ज़्यादातर मैं राख ही डालती हूँ। राख से होता क्या है कि पौधे कीड़े मकोड़े से भी बच जाते हैं और पौधों को खाद भी मिल जाती है। ये देखिए हमारे एडेनियम है ना अच्छे। दोस्तों अपराजिता जरूर उगाएं आप, बहुत लकी पौधा है, बहुत शुभ पौधा है, और इसके फूलों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो इसको ज़रूर उगाएं, इसके सूखे हुए फूल या ताजे फूल भी आप तोड़ सकते हैं। तोड़कर इनको गर्म पानी में या तो ब्लैक टी में डालकर आप इसको पी सकते हैं, छान कर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, या तो आप अगर चाय बना रहे हैं तो चाय के साथ इसको बॉइल कर लीजिए और इसके बाद इसके पानी को पी लीजिए। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, बहुत सारे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों इसको ज़रूर लगाएं, लकी तो है ही है, खूबसूरत तो दिखता ही है, शंखनुमा पौधा। इसके कई कलर पाए जाते हैं, मेरे पास ज़्यादा कलर नहीं है, लेकिन मेरे पास डबल पेटल मुझे मिल गया है तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं, आसपास के लोगों को मैंने बहुत लोगों को दिया है, और किसी को चाहिए तो इसके मैं पौधे ही दे दूंगी, क्योंकि देखिए मेरे पास ढेर सारे पौधे तैयार होते हैं, मैं इन पौधों को उखाड़ती नहीं हूँ, फेंकती नहीं हूँ, मैं दे देती हूँ। दोस्तों ये ऐसा पौधा है कि आपको नर्सरी में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह से एक दूसरे से आप ले के दे दें कुछ आप, तो इस तरह से आपके पास भी ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपना डबल पेटल वाला,
मेरे एडेनियम को तो देखिए कैसे खुश और कितने लहलहा रहे हैं। सदाबहार के तो फूल ही कभी ख़त्म नहीं होते दोस्तों, ये भी ढेर सारे पौधे उगते हैं सदाबहार के, तो इसको भी मैं कहीं कहीं उगाते रहती हूँ। मेरे पास गमले कम पड़ जाते हैं दोस्तों, और अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, मेरे गमले फूट गए। ये वाइट एडेनियम है दोस्तों, अभी खिल रहा है, एक बार खिला था, अभी दोबारा फिर से खिल रहा है। बाकी इनके कलर देखिए कितने सुंदर है ना आपको, और मैं दिखा रही हूँ इसको, देखिए तो इसके पत्ते ही फूल जैसे दिखते हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है कि नहीं बताइए। और भी कहाँ कहाँ है पता नहीं किधर किधर है, जो ग्राफ्टेड थे जैसे ये वाला भी ग्राफ्टेड है, लेकिन अभी ये खिला नहीं है, मेरे को नहीं पता क्या कलर खिलेगा, ये पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। कल हमने तोड़ा है कुंदरू और भिंडियाँ दोस्तों, ये हमारी गर्मी की हैं लेकिन थोड़ी बहुत मिल ही जाती हैं हमको, और कई बार मैं ऐसे भी तोड़ लेती हूँ बगैर, कल भी तोड़ा है हाँ, इसीलिए कम दिख रही हैं, कल भी हमने भिंडियाँ तोड़ी हैं दोस्तों। और इसमें ना कुछ मिर्ची के पेड़, जैसे कि जब आप कुछ गार्डनिंग करते हैं ना, बहुत से दाने पक्के गिरते हैं आपके गार्डन में, तो जैसे ये मिर्ची देखिए अपने आप तैयार हुई है, मैं और दिखा रही हूँ। कई मिर्चियों को उखाड़ उखाड़ के कहीं कहीं मैं रोपी हूँ, लेकिन ये बच गई हैं, तो थोड़ा और अच्छा मौसम होगा तो उखाड़ कर इनको मिर्ची के कंटेनर में डाल दूंगी। और ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है दोस्तों, ये मरती नहीं है दोस्तों। मिर्ची ज़रूर लगाएं अपने यहाँ, क्योंकि मिर्ची की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप मिर्ची नहीं लगाते तो सिर्फ मिर्ची के लिए आपको जाना पड़ेगा खरीदने के लिए, एक बार अगर आप मिर्ची उगा देंगे ना तो आप पूरे साल सवा साल डेढ़ साल तक खाते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होगी, फ्रूटिंग करती रहेगी, बस उसकी थोड़ी देखभाल। तो दोस्तों अब हम उठा लें करेले, जो एक सब्जी के तो हमको आराम से मिल गए हैं, ओहो लुढ़केगा तो मुझे फिर खोजना पड़ेगा, इसलिए आराम से इनको उठाकर ये भाजियों के ऊपर मैं ऐसे रखूंगी। आज मैं थोड़ा छोटा बर्तन लेकर आई, मैं सोची थी कोई भाजी बस लूंगी, लेकिन करेला भी दिख गया, तो इसको टाइम से अगर आप नहीं तोड़ेंगे ना तो फिर ये पक जाता है, देख रहे हैं। ये है दोस्तों मेरा डबल पेटल। दिव्या जो दी है वो एक ही पौधा, दिव्या देख लो एक ही पौधा उगा है तुम्हारा, नहीं उगे हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मैंने उगाया तो सिर्फ एक उगा है, बाकी ये जो है मैं और कहीं कहीं से लाई थी, और सुगंधा जी ने दिया था कुछ और कुछ मैं लेकर आई थी, तो ये मेरे डबल पेटल हैं। और दोस्तों सच्ची बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, अपने डबल पेटल के लिए मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं जो चीज़ नहीं रहती ना उसको पानी की ज़्यादा ललक रहती है। तो दोस्तों ये देखिए करेले ढेर सारे मिल गए, करीब 1 केजी के जैसे करेले मिल गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे वाली छत पर और वहाँ डालेंगे पौधों में थोड़ी सी राख। और ये देखिए हमारे कितने सुंदर ये तैयार हुई है हमारी नर्सरी, और बस मेरे पास है एक कंटेनर, उसको मैं भर नहीं पा रही हूँ, मिट्टी लाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंटेनर ऊपर लाना है, मिट्टी और पत्ते यही हैं। ये है बैंगन, बैंगन दोस्तों ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले से पर्याप्त लगे हुए हैं, लेकिन बारिश में एक आध कंटेनर लगाऊंगी, इसलिए हमने इसको उगाया, बहुत है और इतने फलते हैं कि फिर हम खा नहीं पाते, हमारे लिए फिर ये दिक्कत करते हैं, मतलब कितना खाएँगे है कि नहीं बताइए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे की छत में, वहाँ हम थोड़ी सी डालेंगे पौधों में राख। अगर आपको हमारा लहलाता हुआ गार्डन अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी और इस तरह की वीडियो देखने को मिले, और आप भी उगाएं ढेर सारे पौधे। एक अपराजिता यहाँ भी हो गई है, इसको उखाड़ कर मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगी, अच्छा मौसम आ गया है, मिर्ची के गमले में हो गई है कंटेनर में, तो मिर्ची को दबाएगी, तो इसको उखाड़ कर मैं अलग से जगह दे दूंगी। तो दोस्तों आप भी उगाएं ढेर सारी सब्जियां, और अगर आप इस तरह से सब्जियां अपने हाथों से उगा कर खाते हैं तो खुशी तो होगी ही, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आइए चलते हैं नीचे वाली छत में, हमने ले लिया है सब्जियों को, यहाँ रखा है क्योंकि यहाँ से दोस्तों अभी 5 मिनट तक मेरा दिमाग ख़राब रहा, मेरे को वो डब्बा नहीं मिल रहा था जिसमें, अब देखिए एक यहाँ दिख गया, ये देख, तो वो नहीं मिल रहा था, फिर मैंने गमले को एक छोटे से खाली किया, ये खाली ही था, मतलब डिब्बा ही है, अब इसमें मैं भरी हूँ राख, अब ले जाके मैं डालूंगी, स्पेशली भिंडी में दोस्तों मुझे डालना है ताकि हमारी भिंडी की ग्रोथ अच्छी हो और वो जल्दी फ्रूटिंग करना शुरू। तो दोस्तों राख को आपको करना क्या है, आप इस तरह से पत्तों में डालते हुए इनको डालिए, पत्ते में डालेंगे, बाद में घुलकर धुलकर
थोड़ा बहुत ऐसे नीचे भी डालिए, ये घुलकर धुलकर आपके मिट्टी में ही मिलने वाला है और ये आपके पौधे को ग्रोथ देगा। पत्तों में डालने से होगा क्या कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होगा। और ओवर वाटरिंग या ज़्यादा पानी से, हालांकि बारिश में जो ओवर वाटरिंग होती है उससे पौधों में फंगस नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, तो राख जो है उस चीज़ को रोकता है उनके अटैक को। तो इस तरह से अपने पौधों में राख को बिखेर दीजिए। देखिए ऐसे जब बारिश होगी पौधे धुलेंगे तो राख तो नीचे ही जाएगी। तो इस तरह से आपके पौधे कीड़े मकोड़े, और मतलब महीने 15 दिन में इसको आप करते रहें, या जब भी आपको लगे कि आपके पौधे में खाद की या आपके पौधे में किसी भी तरह की, जैसे पत्ते वाली है ना, इनमें भी आप डालते रहिए, किसी भी तरह के इनमें कोई कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होगा। तो जब भी आपको लगे कि आपके पौधे को ज़रूरत है या आपके पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं तो आप राख डाल दीजिए। देखिए, और मैं थोड़ी सी डालूंगी दोस्तों पालक में। दोस्तों अभी हमने सारे बोगनवेलिया में राख डाला था, आपने वो वीडियो देखा होगा, इसलिए आज मैं सिर्फ वेजिटेबल में डालूंगी, इनमें नहीं डालूंगी, क्योंकि वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। मेरे बोगनवेलिया बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे खिल रहे हैं, उनको अभी खाद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको हमने खाद दिया था, आपको हमने बताया था। पालक में थोड़ा ज़्यादा डालूंगी ताकि इसकी जल्दी ग्रोथ हो। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत जल्दी आपके पौधे में घुल जाएगा, और मैं आज पानी भी नहीं डालूंगी क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है हमारे पौधों की, पर्याप्त बारिश हुई है इसलिए पानी नहीं चाहिए। थोड़ी सी इस वाले भिंडी में भी डालूंगी क्योंकि ये फ्रूटिंग कर रही है। आप इसको हर पौधे में डाल सकते हैं दोस्तों। इनको आपकी मिट्टी कड़ी होगी मेरे को पता है, अगर इस तरह से सॉफ्ट है तो कोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मिट्टी सॉफ्ट नहीं है तो आप कोड़ाई भी कर सकते हैं अपने पौधों के बीच बीच में। दोस्तों मेरी मिट्टी बहुत ही हल्की है, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मिट्टी हमारी हल्की है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कोड़ाई की, मैं लगभग कभी नहीं करती हूँ। हाँ, जब जैसे कुछ खाद देनी है बोगनवेलिया वगैरह में तो उनकी थोड़ी सी मैं कोड़ाई करती हूँ, इनमें बहुत कम, कभी कभार, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट रहती है, मैं हाथों से ही उनको पकड़ लेती हूँ, मतलब ऐसे इतनी सॉफ्ट है। तो दोस्तों आज की हमारी हो गई सब्जी की तोड़ाई, कल शाम को भी तोड़ा, वो भी सब्जी रखी हुई है, तो अब हम चलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और आप भी इस तरह खूबसूरत गार्डन के मालिक बने। दोस्तों इसके बारे में चलते चलते तुलसी मैया के बारे में, इनकी मंजरी को आप काटते रहिए, पूरी गर्मी हमारी ये लहलहाई हैं, अभी फिर इनमें मंजरी दिख रहा है तो इनकी मंजरी को हम आराम से कट करेंगे। तो मंजरी आप कट करते रहेंगे तो आपकी तुलसी मैया लहलहाती रहेंगी, ढेर सारे इनमें ऐसे पत्ते निकलते रहेंगे, प्रणाम कर लूँ, ढेर सारे इनमें ऐसे इनके पत्ते निकलते रहेंगे, और नहीं अगर मंजरी आप नहीं काटेंगे तो तुलसी मैया सूख जाती हैं, मतलब बोलते हैं ना लकड़ी आ जाती है, यानी ये लकड़ी जैसे हो जाती हैं, इसलिए मंजरी को काटते रहिए। और मंजरी को फेंकिए मत, ये आपके पौधों के लिए जैविक खाद का इसमें बना सकते हैं, जहां आप कंपोस्ट बनाते हैं गार्बेज का अपने गार्डन का, वहां इनको डाल दीजिए, या तो अपने गमलों में इनको गाड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है ये पौधों के लिए। मतलब कि जैविक खाद में तुलसी के पत्तों को और ये मंजरी को भी डाला जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं, हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से दो चार चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।